विद्यार्थी आप देखें वर्ब फॉर्म्स की जानकारी लेते हैं, किसकी? वर्ब। वर्ब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं उसको? क्रिया बोलते हैं। और क्रिया की विशेषता जब भी आप इसका हिंदी अर्थ निकालोगे तो उसके पीछे क्या आता है? ना। ना, ना यानी क्या हुआ? आना, आना, जाना, उठना, बैठना। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले मोना, तो मोना क्रिया है क्या? देन इट्स नेम। इट्स नेम, नाम के पीछे अगर ना लगाए तो वो नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। लेकिन जब इसका अर्थ निकालेंगे और पीछे ना लग रहा है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी? वर्ब। और जब ना का अर्थ निकलेगा जब आगे टू लगेगा, तो अगर टू लगता है तभी ना अर्थ आता है, बाकी ना अर्थ आता नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात? यहाँ देखें, अब यहाँ पर देखते हैं वर्ब की फॉर्म्स की। जब इसके डिवीजन करते हैं वर्ब्स की फॉर्म्स का, तो फर्स्ट जो पहली जो बनती है रूट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूट फॉर्म। रूट फॉर्म का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसका मूल अर्थ बताएंगे। मूल अर्थ बताने के बाद प्रेजेंट सबसे पहली होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। कौन सी कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल। क्या नाम होता है? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। फिर होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। इसका नाम क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। दूसरी आएगी पास्ट सिंपल, और तीसरी क्या आएगी? पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी फॉर्म का नाम क्या बताओ? पास्ट सिंपल। और थर्ड फॉर्म का नाम क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या बनती है? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी किसके साथ लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना? आगे अब ये देखिए, जब वर्ब की फॉर्म पर चलते हैं, सबसे पहले अपन किसका जानकारी लेंगे? प्राइमरी वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? प्राइमरी। क्या होती है प्राइमरी वर्ब्स? क्या क्या नाम है उनका बताओ? डू, बी, हैव। इनको प्राइमरी वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है और मेन वर्ब भी हो जाती है। गुड, बहुत बढ़िया। मतलब दीज वर्ब्स हैव टू फंक्शंस। समटाइम्स इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इनके पास दोनों रोल्स होते हैं। कभी ये मेन वर्ब के रूप में भी काम आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ जाती है, इसलिए इनको प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। प्राइमरी वर्ब्स तीन है, टू डू, टू बी एंड टू हैव। टू बी किसी कार्य को करना, जब इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू या डज हो जाएगा। क्या आएगा? डू या डज। और बच्चों याद रखना, ये जो एस लगा इसका मतलब इसके आगे ही, शी, ईट और एकवचन लगे, ठीक है? डू और डज। सेकेंड फॉर्म डिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिड। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। क्या हो जाएगी? डन। कई बार कहते हैं वेल डन। वेल डन का मतलब कार्य हो गया, वेल डन। इसके बाद आईएनजी बनेगी, क्या बन जाएगी? डूइंग बन जाएगी। जब बी पर जाएंगे तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा? होना। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वाज या वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन। देखो बी में देखो बी जुड़ रहा है, बी ई जुड़ रहा है। ई एन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे देखा टेक, टूक, टेकन, EN लगता है। E, एक, eaten, पीछे क्या लगता है? EN। तो सुनो, जिस भी मूल वर्ब के साथ EN लग जाता है, इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। फिर ये being बन गया। क्या बन गया? being बन गया। अब इधर देखिए, have हमेशा अधिकार को बताता है। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, पिछली बार मैंने बताया था आपको, बताया था कि जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, और मैं हूं, आई एम ए मैन। मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, एम लग रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ है तो हैव आएगा, ठीक है? मेरे पास एक गाड़ी थी तो आई हैड ए, आई हैड ए कार, आई हैड ए जो भी, ठीक है? लेकिन मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार। अभी मेरे पास मौजूद है, आई हैव ए कार। लेकिन मेरे पास थी तो आई हैड ए कार, थी, हैड ए, है तो हैव ए कार। इस तरह से आई एम ए मैन, मैं आदमी हूँ, आई वॉज ए मैन, मैं आदमी था। अब वो कब बोलेगा? वो मैं आदमी था। वो कब बोलेगा? कोई पास की कोई नेरेटिव करेगा, बात करेगा, तब ले जाके बात करेगा। तो यहाँ बहुत सिंपल है। कई बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, स्कूल पर लिखना लिखते थे आई एम स्कूल, मतलब मैं स्कूल हूँ। इसका मतलब ये होगा कि स्कूल को आपने पर्सनिफाई कर दिया, मनुष्य बना दिया उसको, तब वो अपने आप में चर्चा कर। ऐसी लिखते हैं, ऐसी बात लोग लिखते हैं ना। यहाँ देखें,
हैज हैव, सेकंड फॉर्म क्या बन गई हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है और यह हैविंग बन गया, क्या बन गया हैविंग। कई बार आप सब कहते हैं मैं चाय ले रहा हूँ तो आपको बोलना पड़ता है आई एम, क्या लिख रहे हैं आई एम हैविंग माय टी, क्या बोलोगे आई एम हैविंग माय टी, मैं चाय ले रहा हूँ, अभी नहीं बोलना आई एम टेकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी, बोलना मत। ड्रिंकिंग क्या होता है, यू होता है, तो आप क्या चाय को ही उड़ा देते हो क्या? तो चाय को जो पीने की बात है आई एम हैविंग माय टी, एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आई एम हैविंग माय टी। ओके नेक्स्ट, अभी अब ये तो तीनों कौन सी वर्ब हो गई प्राइमरी, कौन सी प्राइमरी, प्राइमरी कौन सी डू बी हैव, याद नहीं रहते आप अभी क्या बोला था आपको डू बी हैव, डू बी बेस को क्या कहते हैं डू बी हैव, डू बी हैव, समझ गए बात को, याद रहेगा डू बी हैव, तो ये प्राइमरी वर्ब। अब बात करते हैं मूल वर्बों पर, टू राइट यानी क्या होगा लिखना, राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है राइट और राइट्स, इनके अर्थ क्या निकलते हैं लिखता है लिखती है लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा लिखा और यहाँ हो जाएगा रिटर्न, क्या हो जाएगा रिटर्न और यहाँ क्या बन जाएगी राइट। ओके फाइंड है, फाइंड यानी खोजना, फाइंड या फाइंड्स हो जाएगी, फाउंड हो जाएगी और फाउंड हो जाएगा फाइंडिंग हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि हम जब वर्ब को बांटते हैं एक हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है मेन वर्ब होती है, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। जब इनके हम वर्ब के अलग अलग भाग करेंगे तो उसमें देखते हैं सबसे पहली कौन सी बनती है रूट फॉर्म, कौन सी बनती है रूट फॉर्म, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, बोलो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, क्या नाम है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम क्या है पास्ट सिंपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है पास्ट पार्टिसिपल, क्या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और आईएनजी का नाम क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टी चप्पल नहीं क्या पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। कई बार बच्चे कहते हैं कितनी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का नाम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट हो जाती है पास्ट, सेकंड, बच्चे कई बार गलत बोल जाते हैं थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर फॉर्म, कभी ऐसा नहीं बोलना है गलत हो जाता है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या बताओ अभी पास्ट पार्टिसिपल, क्या नाम है पास्ट पार्टिसिपल, समझ में आ गया आपको। वर्ब को क्या बोलते हैं क्रिया, वर्ब किसके पश्चात आती है अक्सर सब्जेक्ट के बाद में, किसके बाद आती है सब्जेक्ट के बाद में, और प्रश्न हो तो दो भाग में बढ़ जाती है, प्रश्न होने पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में, जैसे आप लिखते हैं व्हाई डू यू कम, व्हाई डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों आते हो, तो यू तो हो गया सब्जेक्ट, उससे पहले डू लग गया हेल्पिंग वर्ब और कम कौन सी वर्ब होगी मेन वर्ब, तो प्रश्न आने पर थोड़ा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों किसके आगे पीछे हो जाती है सब्जेक्ट के, लेकिन प्रश्न नहीं आए तो सब्जेक्ट के पीछे होती है। ये समझ में आया अच्छे से, ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना।